कि रमजान में पेपर लेना जायज है कि नहीं? नहीं जायज, हराम है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग चीटिंग भी नहीं कर सकते पेपर में, रोजा रखते हैं। यार ये तो वाकई यार बहुत अच्छा फैक्टर है। दोबारा से मैं बता दूं, पहले भी बताया था कि आपका बहुत बड़ा फैन, बिग फैन। थैंक यू बहुत शुक्रिया। जो गेट गेंटर होते हैं ना, तो हमारा रोजा टूट जाता है। कन्फर्म जन्मी, आप क्या कहते हैं? दोनों साइड भी है, मुश्किल भी है। आराम ब्रो, आराम है, आराम से पल्ला ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। नहीं मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ जी। आप देख रहे हैं जी आपका अपना यूट्यूब चैनल खुर्रम मलिक व्लॉग्स और व्यूअर्स जी नमल में आज रमजान में जी आपका भाई पेपर देने सुबह नींद पूरी किए बगैर पढ़े बगैर आपका भाई जो है पेपर देने के लिए यूनिवर्सिटी में आ गया। नमल ने सोचा क्योंकि 8 अप्रैल को जो सोलर एक्लिप्स होना है, तो हम सोलर एक्लिप्स से पहले पहले हम पेपर ले लें, क्या पता दुनिया खत्म ना हो जाए, दुनिया मुक ना जाए ईद के बाद कहीं, तो ईद से पहले पहले ना हम पेपर ले लेते हैं। तो आपका भाई भी बगैर सोए बगैर बड़े जी यूनिवर्सिटी में आ गया पेपर देने के लिए। और आज तो जी यूनिवर्सिटी के रंग ही कुछ और है, रंग ढंग कुछ और है, चाल कुछ और है, रौनक कुछ और है। इतनी आवाम है ना, इससे पहले इतनी आवाम मैंने कभी भी नहीं देखी। आती है लेकिन थोड़ी थोड़ी लेस लेस आवाम आती है, पहले तो इससे बाहर भी होता ही नहीं है। आज तो जी पार्किंग की भी जगह जो है वो बिल्कुल भी नहीं थी मिल रही, लेकिन आपके भाई ने फिर भी जो है जगह ढूंढ ली है। अभी जा रहे जी अपने डिपार्टमेंट की तरफ, अपने संगियों की तरफ, उन्हें जाके ढूंढता हूँ, पूछता हूँ पेपर के बारे में, सिलेबस पूछता हूँ कि क्या आना है क्या नहीं आना, लेकिन अगर भी मिल जाता है तो पूछूंगा, अदरवाइज सीधा पेपर ही जाने दूंगा। अभी तक तो इधर सारे यार इधर नहीं जाना, इधर सीधा इधर हमारे सर गड़े थे उनके सामने में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैंने इधर अभी थोड़ा सा जो है वो रिवीजन करना है, थोड़ा सा पढ़ूंगा रिवाइज करूंगा, उसके बाद जो है पेपर देने के लिए अंदर जाऊँगा। यहाँ से अंदर यहाँ से तो नहीं नज़र आ रहा, ये मेरी क्लास है, मेरी क्लास में स्टूडेंट्स वगैरह जो हैं वो आए हुए हैं। तो व्यूअर सीन ये है कि मैं अभी थोड़ा सा रिवाइज करना है, पेपर है, तो पेपर के बाद ना आपसे बात करता हूँ। A few moments later, 2000 years later. आज भी बस तो फाइनली जी 2 घंटे के बाद जी आपका भाई सबसे आखिर पे गया और सबसे आखिर पे ही पेपर दे के वापस आया, और बाहर जो है जी इस टाइम माहौल बन चुका है जी मछली मंडी वाला, और आप देख लें जी रौनक की रौनक लगी हुई है हर तरफ, सारी आवाम पेपर दे के आ गई है। ऐसा लग रहा है कि यार जैसे यहाँ पे अभी कोई मेला लगने वाला है या मेला लग चुका है, लेकिन हुआ ये है कि सारे अपने जो है पेपर दे के आ गए हैं बाहर, और मैंने भी है जो है अपना पेपर दे दिया बगैर सोए बगैर पढ़े। और जी मेरा आज का एक सवाल भी है, मैं करना चाहता हूँ स्टूडेंट से भी और आप सब से भी, सवाल ये है कि क्या रमजान में पेपर देना जायज है? नहीं तो चले इसके लिए इधर हम किसी को पकड़ते हैं यहाँ पे, और जी हमारे साथ जो है यहाँ पर मौजूद है जी, अस्सलाम वालेकुम जी अमार भाई, क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? अच्छा मुझे आपने ये बताना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका डिपार्टमेंट कौन सा है? मेरा डिपार्टमेंट एरिया स्टडीज, एरिया स्टडीज है। yes. अच्छा मेरा आपसे सवाल ये है कि रमजान में जो है पेपर लेना जायज है कि नहीं? घर में आप पेपर की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ रमजान में यूनिवर्सिटी में जायज नहीं है। कौन सा आप जरा माहौल दिखाए ना, रमजान में जो है यूनिवर्सिटी भी जायज नहीं है? बिल्कुल सही बात है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट। उसकी वजह ये है, आप देखें जब रोजा रखता है बंदा तो सिर्फ भूख नहीं होती, यस यस यस, दुकानें सारी बंद करवाते हैं, सब कुछ बंद करवाते हैं, यूनिवर्सिटी क्यों ओपन होती है? चलो सारे नामहरम इधर होती है, नामहरम मर्द भी औरत भी सब इधर होते हैं, उसके अलावा पर्देदारी का कोई सीन नहीं होता। यस यस यस, आंखें नजरे बच से बंदा जितना मर्जी बचने की कोशिश करे फिर भी कहीं ना कहीं हो जाती है। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना, बिल्कुल 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 यार बहुत प्यारी बात कहते हैं कि रमजान में पेपर क्या है, रमजान में तो यूनिवर्सिटी आना भी जायज नहीं है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा। बहुत शुक्रिया अमार भाई, थैंक यू वेरी मच। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि रमजान में जो है ना यूनिवर्सिटी भी बंद कर दी, पेपर लेना जायज है वो दूर की बात है, रमजान में यूनिवर्सिटी भी जो है जायज नहीं होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी भी आप बंद कर दें, क्योंकि यार बड़ा मुश्किल हो जाता है ना पेपर देना। लेकिन नमल ने भी ये समझा ना, क्योंकि शायद ईद के बाद दुनिया खत्म ना हो जाए, आवाम मर ना जाए, कि इन्होंने कहा कि हमने ना एग्जाम्स जो है रमजान के अंदर ही करवाने हैं जी, ईद के बाद तो जा ही नहीं ना सकते, तो रमजान के अंदर ही इन्होंने कंडक्ट करवाने थे पेपर, उन्होंने करवा लिया। खैर लेकिन ये थे 2 घंटे हैं, जो एनुअल्स होते हैं उनमें 3 घंटे का टाइम होता है हमारे पास, लेकिन आज 2 घंटे थे, 2 घंटे में पेपर करना मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, कम से कम 3 घंटे तो देने ही चाहिए, लेकिन फिर भी 2 घंटे के अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पेपर कंप्लीट हो गया, चकास की किस्म का पेपर हो गया। और अभी आपने जी बाहर का माहौल देखा, तो आज यहाँ पर जी काफी रश है, बेसिकली इतनी आवाम जो है वो आती नहीं है,
लेकिन आज जो है काफी आवाम आई हुई है, आज जो है वो काफी आवाम जो है आई हुई है, आज यार कुछ आज जो है काफी आवाम आई हुई है यहाँ पे नमल में। इतनी आवाम वैसे नॉर्मल डेज में बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन आज जो है काफी रश है। जैसा आपको मैं बता रहा था कि सुबह जब मैं पार्किंग में गया तो पार्किंग में बाइक पार्क करने के लिए बिल्कुल जो है वो जगह ही बिल्कुल मौजूद नहीं थी। तो व्यूअर्स अभी सीन ये है कि अभी जरा किसी और के पास जाते हैं और किसी और से जाके पूछते हैं कि रमजान में पेपर देना जायज है कि नहीं। चले जी, दो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे और पकड़ लिए हैं और मैं इनसे भी वही सवाल करना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, पहले तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? हम मैथ्स कम्युनिकेशन। मैथ्स, आप भी मैथ्स कॉम से हैं? यार फिर तो शुक्र है, आप कैमरा शाही नहीं है, वरना मोस्टली आवाम कैमरा शाही होती है। मेरा सवाल ये है कि रमजान में पेपर लेना जायज है कि नहीं? नहीं भाई, जायज नहीं, हराम है। कौन सा है? आप क्या कहते हैं यार? रमजान में ऑब्वियसली यार रोजा होता है, बंदे का पेपर नहीं ना होता। यार मैंने एक लड़के से पूछा, वो कहता है रमजान में पेपर क्या, यूनिवर्सिटी भी जायज नहीं है। यूनिवर्सिटी भी जो है वो बंद करनी चाहिए। इतना फिट रोजा गुजरता, यूनिवर्सिटी आता हूँ, बिल्कुल रोजा गुजरता ही नहीं है यार। बिल्कुल सही कह रहे हैं, रमजान थोड़ा मकरू भी हो जाता है भाई। हाँ मकरू, चल चल, बहुत शुक्रिया यार। चले जी, फिर अभी जरा इसी को आगे पकड़ते हैं। उन्होंने भी बोला है जी रोजे में जो है पेपर देना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यार मैंने एक ब्लॉग बना रहा हूँ और इसमें मेरा सवाल ये है कि रमजान में पेपर देना जायज है कि नहीं? जहन्नमी, 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 कन्फर्म जन्मी। आप क्या कहते हैं? इम्तिहान सिर्फ दुनिया की, दुनिया दुनिया के वैसे भी फानी है ना, आखिरत के इम्तिहान की तैयारी करो। क्यों जी? ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, एक और भी हमने रिस्पॉन्ड ले लिया, खुर्रम मलिक व्लॉग्स यूट्यूब पे। चलें जी, हमने एक और भी जो है स्टूडेंट्स का यहाँ पे रिस्पॉन्ड ले लिया है। तो सारे कह रहे हैं जी रमजान में जाना पेपर नहीं होने चाहिए, बाकी जो मर्जी करा लें यार, दुनिया है, दुनिया फानी है, खत्म हो जानी, आखिरत की तैयारी करें, छोड़े एग्जाम्स को, सारा कुछ छोड़े आप यहाँ पे। और यहाँ पे एक और ग्रुप खड़ा हुआ है, इनके पास भी हम जाना चाहेंगे और इनसे भी जो है क्वेश्चन करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? कौन से डिपार्टमेंट से? बीबीए से। अच्छा, मैं ना आज एक सवाल कर रहा हूँ जी, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से किया है कि रमजान में पेपर देना जायज है कि नहीं? नाजायज है। आप क्या कहते हैं? इम्तिहान खाली। एक तो कहता है यार रमजान में यूनिवर्सिटी बंद कर दो। चलो यार ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चले जी, एक और भी हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स का जो है वो इंटरेक्शन ले लिया, तो मोस्टली अवाम जो है वो यही कह रही है जी रमजान में कम से कम पेपर तो ना होने चाहिए। अब मतलब रोजे रखे, पेपर करे, क्या करे। अभी इधर आगे चलते हैं और कुछ और रिस्पॉन्स जो है आगे हमसे लेना चाहेंगे। इधर आगे जाते हैं, इतनी आवाजें आ रही है ना पीछे से, आगे चलते हैं और किसी और के जाके रिस्पॉन्ड लेते हैं। सामने इधर कुछ ग्रुप आ रहा है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा हुआ पेपर अच्छा हुआ। अच्छा, मेरा सवाल ये ना कि आपसे कि रमजान में पेपर लेना जायज है कि नहीं? बिल्कुल जायज नहीं है। रमजान में तो यूनिवर्सिटी भी ऑफ होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी भी ऑफ होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी ऑन होनी चाहिए, पेपर नहीं। हम जो गेट के एंटर होते हैं ना, तो हमारा रोजा टूट जाता है, समझ रहे हो? यार नहीं, वैसे आपसे पहले ना एक बंदे ने सेम यही बात की, कहता है रमजान में मेरा रोजा मकरूह हो जाता है यूनिवर्सिटी आगे। आपने भी वही बात की यार, मकरूह नहीं होता, हमारा टूट जाता है। चलो यार, थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच, एंड डू सब्सक्राइब खुर्रम मलिक व्लॉग्स। खुर्रम मलिक व्लॉग्स। चलें जी, एक और भी हमने यहाँ पे इंटरेक्शन ले लिया स्टूडेंट्स का, अब जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे जाके भी इंटरेक्शन लेते हैं। चलें जी व्यूअर्स, एक और स्टूडेंट्स के पास जरा यहाँ पे जाते हैं और पूछते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं ना कि आप कौन से डिपार्टमेंट से ताल्लुक है आपका? मेरा ताल्लुक है बीएस एरिया स्टडीज से। अच्छा, मैं आपसे पूछना ये चाहूंगा, मैंने ना आज एक सवाल पूछ रहा हूँ मैं स्टूडेंट से कि रमजान में पेपर लेना जायज है कि नहीं? बिल्कुल भी जायज नहीं, बिल्कुल भी जायज नहीं, हराम है, हराम करार दे दें, आखिरत के इम्तिहान की तैयारी करें, दुनिया को छोड़ देते हैं। एक तो कहता है कि बंदा यूनिवर्सिटी आए ही नहीं, हाँ। कहता है रमजान में यूनिवर्सिटी भी आराम है, पेपर भी आराम है, उसके बारे क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उसमें खलल आ रहा है। कैसे मतलब खलल कैसे आ रहा है? एक कहता है यार मेरा रोजा टूट जाता है यूनिवर्सिटी आगे, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। चलो चलो यार, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू वेरी मच। चलें जी व्यूअर्स, अभी तरह मैं आगे जा रहा हूँ और मैं किसी और को ढूंढ रहा हूँ कि उससे मैं सवाल करूँ, और मेरे सामने जी एक ग्रुप है, इनके पास जाना चाहूँगा जी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं?
अच्छा मेरा ना आज का जो मैं व्लॉग है, एक व्लॉग बना रहा हूँ और इसमें मेरा सवाल ये है, मैंने सब स्टूडेंट से पूछा है कि रमजान में पेपर लेना जायज है कि नहीं? नहीं जायज, हराम है। कि रमजान में पेपर लेना जायज है कि नहीं? नहीं जायज, हराम है। बिल्कुल क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग चीटिंग भी नहीं कर सकते पेपर में, रोजा रखते। यार ये तो वाकई यार बहुत अच्छा फैक्टर है, चीटिंग ना करने वाला। बड़ी बात है कि बंदा क्या नाम है, रोजा रख के ना पढ़ा जाता है, रोजे की इफ्तारी के बाद पढ़ा जाता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। एक बंदा कहता है रमजान में ना आप यूनिवर्सिटी भी बंद कर दें, पेपर तो हराम है, सो हराम है, यूनिवर्सिटी भी हराम है, यूनिवर्सिटी भी नहीं होनी चाहिए। ना मैरम टीचर्स और फीमेल टीचर्स, मेल टीचर्स ना मैरम होते हैं, ना होते यार फिर रोजा भी ना रोजा नहीं रहता। चले यार, थैंक यू सो मच। विपिन साहब ने देखा यार स्टूडेंट्स जो है वो बड़े मजे के जो है ना वो फीडबैक दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या आंसर कर रहे हैं। और यहाँ पे जी दो लड़के खड़े हुए हैं, मैं इनके पास जाता हूँ अगर ये इंटरव्यू देना चाहते हैं तो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? यार मैंने एक व्लॉग बना रहा हूँ, इफ यू डोंट माइंड तो मैं आपसे एक सवाल कर लूँ। जी भाई। अच्छा पहले तो आप बताए ना कि आप किस डिपार्टमेंट से हैं? मैथ्स कॉम से शायद। जी, अच्छा अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि रमजान में पेपर लेना जायज है कि नहीं? यार ये नाजायज है यार, ये यहूदियों की साजिश है। यहूदियों की साजिश है? और क्या है, इसराइली साजिश ना यार, रमजान में यूनिवर्सिटियों को बंद करना चाहिए। रमजान में यार सबसे बड़ा रिस्पॉन्स ये यहूदियों की साजिश है, मतलब कि आराम नहीं लेने चाहिए। हाँ, मैंने ना स्टूडेंट्स को बोला है कि यार आप जो है ना अपनी आखिरत की तैयारी करो, छोड़ो दुनिया को, आखिरत वैसे भी अब फानी है, दुनिया से अपने मर जाना है, चले जाना है, आखिरत की तैयारी करो, दुनिया फानी है, आखिरत की इम्तिहान की तैयारी करो, इस इम्तिहान को छोड़ दो, ऐसे ही है ना जी? बिल्कुल जी। और ये तो वैसे भी यहूदियों की साजिश ही है। चलो यार, ओके, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। चलिए जी व्यूअर्स, एक और ग्रुप यहाँ पर जो है वो खड़ा हुआ है। और अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा यार मेरा एक व्लॉग बना रहा हूँ और इसमें जी मेरा सवाल ये है कि रमजान में पेपर लेना जायज है कि नाजायज है? मेरे ख्याल में से ठीक ही, आगे ईद होती है तो फिर उस पे अगर ईद पे पेपर हो फिर ज्यादा मुश्किल होगा। अच्छा, मेरे ख्याल में आपको पता है, आप वो पहले बंदे हैं कि जिन्होंने बोला है कि रमजान में जो है पेपर लेना जायज है, अदरवाइज सब ने बोला है हराम है, नाजायज है, यहूदियों की साजिश है, आखिरत की तैयारी करो, दुनिया को छोड़ो। बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया यार, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चले जी, इधर मैं मैथ्स कॉम डिपार्टमेंट के पास हूँ क्योंकि मैथ्स कॉम से हमारे एंकर्स निकले हैं, जर्नलिस्ट निकले हैं, तो ये लोग जरा कैमरा शाई नहीं होते, इनके पास जाते हैं और इनसे पूछते हैं कुछ। और ये हमारे वन एंड ओनली अब्बासी भाई, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? फिर से बिल्कुल ठीक। दोबारा से मैं बता दूं, पहले भी बताया था कि आपका बहुत बड़ा फैन, बिग फैन। थैंक यू बहुत शुक्रिया यार। अच्छा यार मैं ना आज व्लॉग बना रहा हूँ और शुक्र है आप मुझे मिल गए, पिछले व्लॉग में भी आप आए थे, ठीक है? तो मैंने आपसे पूछना ये है कि यार आपको पेपर अच्छा हुआ है? यार बहुत अच्छा हुआ है, इतना अच्छा हुआ बता नहीं सकता मैं। आपकी डिग्री तो होनी गई, इसी कह रहा हूँ बहुत अच्छा हुआ, अगर डिग्री ना हुई होती तो। अच्छा यार मेरा आप बता दें, क्यों बताऊं तुमको? अच्छा यार सवाल मेरा ये है कि रमजान में पेपर लेना जायज है कि ना जायज है? 2000 years later. दरमियान वाला कोई रास्ता नहीं आ सकता? नहीं, दरमियान वाला कोई रास्ता नहीं है यार, दरमियानी रास्ता निकाले, मैं तो यही कहूंगा, ना जायज है ना नाजायज है, क्या कह सकते हैं? देखो ना मैंने बहुत सारे रिस्पॉन्सेज लिए हैं, एक बंदा कहता है यहूदियों की साजिश है, रमजान में पेपर होने नहीं चाहिए, एक कहता है रमजान में यूनिवर्सिटी नहीं होने चाहिए, आपका क्या पर्सपेक्टिव है? मैं तो कहता हूँ कि पूरी रमजान हो ना हो, यूनिवर्सिटी ही ना हो। यूनिवर्सिटी को आग लगा देते हैं, आग लगा दे टाइम टाइम फिश। चलो यार थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। चलिए जी व्यूअर्स, अभी टाइम जो है वो 12 होने वाले हैं और मैंने अभी घर जाना है। आपने देखा जी आज वाले व्लॉग में काफ़ी सारे लोगों ने जो है वो इंटरेक्ट किया है, आज का जो मेरा सवाल था व्लॉग के अंदर वो ये था कि रमज़ान में जो है पेपर लेना जायज़ है कि नाजायज़ है? काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया, आपने डिफरेंट रिस्पॉन्स देखे स्टूडेंट्स के। आई होप सो कि आपको जी आज वाला व्लॉग पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया है जी तो इस मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और जी बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और देखते रहिए जी आपका अपना यूट्यूब चैनल खुर्रम मलिक व्लॉग्स, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि थोड़ी सी रूटीन है वो टफ होगी, आई विल ट्राई कि मैं अपनी डेली रूटीन के ऊपर जो है व्लॉग बनाऊं, डेली बेसिस के ऊपर मैं व्लॉग बनाता रहूं, लेकिन हमारे जो पेपर्स हैं ना वो छुट्टी नहीं है उसके अंदर, ये सीन है ना कि आज हमारा पहला पेपर है, कल दूसरा, फिर परसों तीसरा, तो मतलब कि लगातार कंटिन्यूसली जो है हमारे पेपर हो जाने हैं 4 के 4, ठीक है? लेकिन ये एक शुक्र है कि हमारे जो इस बार सब्जेक्ट्स है ना वो 4 है, क्योंकि हमारा फाइनल सेमेस्टर है,
फाइनल ईयर है और इसमें हमारे चार सब्जेक्ट हैं, बेसिकली पांच भी होते हैं, छह भी होते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे चार हैं। तो आपका भाई जो है जी, वो जुमेरात को बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा, मैं जुमेरात को बिल्कुल पेपर खत्म हो जाएंगे, फ्री हो जाऊंगा, ट्राई करूंगा जी डेली व्लॉगिंग आती रहे, डेली व्लॉग्स में अपलोड करूं, लेकिन हो सकता है एक आधा दिन जो है वो मिस भी हो जाए। आज वाला व्लॉग जी मुझे उम्मीद है जी आपको पसंद आया होगा। अभी थोड़ा मौसम भी जो है वो गर्म हो रहा है, गर्मी थोड़ी सी हो रही है और मेरा गला भी खुश्क हो गया इतना, और इतना मजीद अब नहीं बोला जाएगा मुझसे। मुझे उम्मीद है जी आपको आज वाला व्लॉग पसंद आया है, और आपको पसंद आया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें यार, क्योंकि इट इज़ अ नॉट एन इजी टास्क कि आप बोलते रहो कंटिन्यूसली बोलते रहो, क्योंकि कैमरे का एक प्रेशर भी होता है और जहाँ पे लोग आपको शाउटिंग कर रहे हो, ट्रोलिंग कर रहे हो, वहाँ पे बोलना तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी जब एक बंदा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आता है, अपना टाइम निकाल के आता है, एक अपना कंफर्टेबल जोन से बाहर आ जाता है, तो आपको भी चाहिए यार आप भी सपोर्ट करें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में, और मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।